चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मिलती रहे आपको लेटेस्ट रेसिपी अपडेट। अस्सलामु अलैकुम चैनल दर्शकान के रौनक में आज हम बनाएंगे चिकन समोसा। दो शेप में आज हम चिकन समोसा तैयार करेंगे होममेड शीट के साथ। चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम, दो प्याज को लेके मैंने चॉप कर लिया है, 2 टीस्पून भर के मैंने जिंजर पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून से कम काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक है। फ्लेम पे कढ़ाई रखेंगे, गरम होने पे इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल गरम होने पर हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर कर लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गई लाइट गोल्डन। अब हम इसमें चिकन का कीमा डालेंगे। और इसको हम आधे मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी हम आधे मिनट के लिए भून लेंगे। आधे मिनट के बाद हम इसमें पिसा हुआ मसाला और नमक ऐड करेंगे। इसको भी हमें भून लेना, तकरीबन 5 मिनट हम इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। चिकन को भूनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। तब तक हम मैदे का डो तैयार कर लेंगे, उसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे चिकन को। मैदा लिया है मैंने 200 ग्राम, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मैदे का टाइट डो तैयार करेंगे। ये देखिए इसका हमें टाइट डो तैयार करना है। ये हमारा डो तैयार हो गया है, इसका अब हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। 6 से 7 मैंने इसका पेड़ा तैयार किया है। ऊपर से थोड़ा सूखा मैदा हम डस्ट कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। एक पीस लेंगे, इसमें हम थोड़ा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। काफ़ी टाइट डो है, इसको हम हाथों से पहले थोड़ा बढ़ा लेंगे। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे, अब हम इसको बेलेंगे। मीडियम साइज़ का हमें इसको बेलना है, बहुत बड़े शेप में हम इसको नहीं बेलेंगे। ये देखिए ये बेल के तैयार है। एक प्लेट लेंगे हम, थोड़ा सूखा मैदा हम ऊपर से डस्ट करेंगे और बेली चपाती को इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह बाकी सभी को भी हम बेलेंगे। एक पीस लेंगे, सूखा मैदा हम डस्ट करेंगे और इसको भी हम इसी साइज़ का बेलेंगे। इस वाली इस बेली चपाती पे हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, सभी और फैला कर हम डालेंगे। इसको अब हम अच्छे से सारे में फैला देंगे। आप चाहें तो इसको ब्रश से भी फैला सकते हैं। सब और हमें अच्छे से इसको फैला लेना है। फिर ऊपर से हम थोड़ा सूखा मैदा इस तरह से डस्ट करेंगे और दूसरी बेली हुई चपाती को भी हम इसी के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। हाथों से फैला देंगे। मैदा डस्ट करेंगे। सभी को इसी तरह से हमें बेलकर एक दूसरे पे रख देना है। ये तीसरी चपाती भी मैंने बेल ली है। ऑयल डालेंगे, इसी तरह से फैला देंगे सारी तरफ। इन सभी को मैंने बेल लिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए कीमा भी हमारा भूनकर तैयार है। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको भून लिया है लो फ्लेम पे। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया इस पे डाल देंगे।
मिक्स करेंगे और इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तैयार है हमारा चिकन। सूखा मैदा लेंगे, इसको हम एक छोटे पैन में 2 चम्मच डालेंगे। इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे, पानी डालेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्लेम पे रखेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको लगातार इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए इतना ठीक हो गया है ये। इसी तरह हमें इसको तैयार करना था। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तवा रखेंगे, फ्लेम पे गरम होने देंगे। इसको मैंने 10 मिनट के बाद निकाला है फ्रिज से। थोड़ा हाथों से हम इसको दबा लेंगे। सूखा मैदा डालेंगे, और इसको हम हल्के हाथों से थोड़ा बेल लेंगे। सब ओर से हमें अच्छे से बेलना है इसको। दूसरी तरफ भी हम बेल लेंगे इसी तरह से। ये बेल का तैयार है। अब हम इसको धीरे से उठाएंगे और तवे पे रखेंगे। तवा हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको पकाने के लिए रखना है। इसको हम काफ़ी देर नहीं पकाएंगे, बस आधा ही मिनट इसको हम पकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इसको हम सेंटर में करेंगे और दूसरी ओर भी हम इसको आधा मिनट ही पकाएंगे। उसके बाद हम इसको फिर से पलटेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। पलट देंगे दोनों ओर से, दो दो बार हमने इसको अच्छे से पलट कर सेक लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए अब इसको थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं। इसको अब हम धीरे से निकालेंगे। शीट हमारी तैयार है समोसे के लिए। बहुत ही इजी है शीट घर में बनाना। हल्के हल्के हाथों से हम इसको धीरे से निकालेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको अब हम कट कर लेंगे। हाफ़ मैंने कट किया है, हाफ़ को रखेंगे और इस वाले हाफ़ को हम एक बार और कट करेंगे। ये देखिए इसको हम ट्रायंगल शेप देंगे। अब हम समोसा तैयार करेंगे। तैयार किया हुआ मैदा का पेस्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे, हल्का हल्का लगा लेंगे, ऊपर के साइड पे लगाएंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक हम इसको जोड़ लेंगे। उंगलियों की मदद से थोड़ा हम दबाएंगे इसको। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेंगे। ऊपर भी पेस्ट को हम लगाएंगे। और इसको इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस कोने को भी हम अच्छे से दबा लेंगे, बंद करेंगे। कहीं से भी ये खुला नहीं होना चाहिए। तैयार है हमारा समोसा।
इसको हम रखेंगे प्लेट पे, दूसरे वाले को भी हम बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा ऊपर वाले भाग पे भी हम पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। ये देखिए पहले नीचे वाले भाग को हम उंगलियों से दबाकर बंद करेंगे, फिर अंदर हम स्टफिंग कर लेंगे। ऊपर पेस्ट लगाएंगे थोड़ा, और थोड़ा अंदर हम पेस्ट मैदे का तैयार किया हुआ लगाएंगे। इसको इजीली हम इस तरह से बंद कर लेंगे, दोनों कोने को भी हम इस तरह से दबाकर बंद करेंगे। तैयार है दूसरा समोसा भी हमारा। ये देखिए इस तरह से हमें पेस्ट लगाना है ऊपर भी नीचे भी, इन दोनों को मिलाकर हमें इस तरह से इसको बंद करना है। नीचे को अच्छे से उंगली की मदद से हम इसको बंद कर लेंगे, अंदर हम फिल कर लेंगे चिकन को। पेस्ट लगाएंगे और इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से सभी समोसे को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक बड़े साइज का ही मैंने दूसरे शेप में समोसा तैयार किया है। ये देखिए हाफ पीस को मैंने कट नहीं किया था, हाफ पीस को मैंने बचा कर रखा हुआ था। इसी तरह से हाफ में हमें पेस्ट मैदा का तैयार करना है। उंगली की मदद से हमें थोड़ा इसको फोल्ड करना है, दूसरे हाथ के अंगूठे से हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड किए हुए भाग में हमें स्टफिंग कर लेनी है चिकन की। स्टफिंग करने के बाद ऊपर वाले भाग में हम इस तरह से इसको पेस्ट को ऊपर से अच्छे से लगाएंगे, नीचे लगाएंगे और साइडों पे इस तरह से हाफ भाग में लगा लेंगे। इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा हाथों से हम दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए फ्राई करते वक्त, ये खुले नहीं। तैयार है समोसा हमारा दूसरे शेप में। आधे वाले भाग में हम तैयार किया मैदा का पेस्ट लगाएंगे, उंगली की मदद से साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, चिकन को स्टफिंग करेंगे। ऊपर वाले भाग में भी हम तैयार किया पेस्ट लगाएंगे, साइडों पे लगाएंगे, ऊपर अच्छे से लगाएंगे, साइडों पे लगाएंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। दोनों कोने को अच्छे से हम दबा देंगे, ऊपर से दबाएंगे हथेली की मदद से। तैयार है समोसा हमारा। आपको जो इजी लगे आप उस शेप में तो समोसा तैयार कर सकते हैं। बाकी बचे हुए समोसे को भी मैं जल्दी से तैयार कर लूँगी। ये देखिए ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रखा है फ्लेम पे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे समोसा डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। पलट देंगे इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए समोसा हमारा फ्राई हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है समोसों का। दूसरे वाले पीस को भी हम फ्राई करेंगे। दो ही पीस डालेंगे, इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे और पलट देंगे। ये फ्राई हो चुका है, इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। बाकी बचे हुए समोसे को भी हम फ्राई कर लेंगे, पलट देंगे। तैयार है हमारा समोसा। किसी भी शेप का आप समोसा बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है चिकन का। ये देखिए आपको जो इजी लगता है आप उस तरह से बनाइएगा। खाली इसको स्टफिंग करने में ही टाइम लगता है,
बाकी शीट तो बहुत ही इजी है घर में ही बनाना। किसी भी शेप में आपको जो जैसा लगे उस शेप में आप तैयार कीजिए समोसा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिश को लाइक कीजिए।